में भारी बारिश से 283 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा सड़कों के ध्वस्त होने से पीडब्ल्यूडी विभाग को 154 करोड़ का नुकसान आंका गया है। बीते दो दिनों से मंत्री हर्षवर्धन चौहान जिले में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। पंचायत चांदनी स्तौन समेत शिलाई क्षेत्र के दूरदराज के गांव में पहुंचकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक फौरी राहत के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं देर शाम अधिकारियों के साथ बैठक करके संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत एवं पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दो दिनों से मैंने जिला सिरमौर के कई क्षेत्रों का दौरा किया है, विशेष करके स्तौन है, चांदनी है और बहुत सारी जगहों में गया है। और जिला सिरमौर में जो बारिशें हुई है इसमें भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके जिला सिरमौर में जो सड़कें हैं उनमें कोई 154 करोड़ रुपए का जो है 154 करोड़ रुपए की जो रोड्स को जो है डैमेजेस हुए हैं। और आईपीएच डिपार्टमेंट में भी जो है वो 103 करोड़ रुपए के जो है स्कीम्स को डैमेजेस हुए हैं। मैं बधाई दूंगा जिला प्रशासन को और हमारे डिप्टी कमिश्नर को और सभी विभागों को जिन्होंने जो सड़कें अवरुद्ध थी और बहुत बंद पड़ी हुई थी, कोई 90% सड़कें जिला सिरमौर की जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खोल दी है। और पीने के पानी की भी जो सप्लाई है वो लगभग अधिकांश गाँव में जो है उसको रिस्टोर कर दिया गया है, बेशक वो टेम्परेरी की गई है। वहीं इस मौके पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा की बयानबाजी पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ आलोचना करना है, आपदा किसी भी समय आ सकती है। जिला प्रशासन समेत प्रदेश सरकार ने आपदा की इस घड़ी में जहां 70,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल कर उन्हें अपने घर पहुंचाया है, वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बरसात से हुए नुकसान को लेकर प्रभावितों को हर संभव मदद पहुँचाई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रोल अदा करना है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार और कांग्रेस पार्टी की कोई तारीफ थोड़ी करेगी, उन्होंने आलोचना करनी है। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो ये बारिश आई है वो बहुत बड़े ह्यूज स्केल पे आई है और 3-4 दिन जो बारिश आई है वो 30% मानसून की टोटल जो बारिश आनी थी उसकी 30% तो 4 दिन में आई है। और उन्हीं 4 दिनों में सबसे अधिकांश डैमेज जो है वो रोड्स है, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स है, चाहे बिजली की स्कीम्स है, उनको नुकसान हुआ है। तो वो प्रशासन तो प्रिपेयर था मगर इतने बड़े स्तर का नुकसान होगा और इतने बड़े स्तर की बारिश आएगी ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। आपको बता दें कि इस बरसात से जिले में भारी नुकसान हुआ है। कहीं पेयजल योजनाएं बंद है, कहीं सड़कें बंद है, तो कहीं बिजली की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। वहीं मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।